हटने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव पलट गए उमर अब्दुल्ला, अब लड़ेंगे चुनाव। कसम खाए बैठे अब्दुल्ला ने तोड़ दी कसम, अब गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे उमर। चुनाव लड़ने का बना लिया मन, इलेक्शन बॉयकॉट बोलकर फंसे अब्दुल्ला। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे का समझौता हो गया है। दोनों मिलकर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों साथ में लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला, जिसने कसम खाई थी चुनाव न लड़ने की, वो अचानक से पलटी खा गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा किया जिससे वो अब पछता रहे हैं और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं चुनाव न लड़कर अवमूल्यन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी गलती थी। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कसम खाई थी कि चुनाव न लड़ने की वो इसलिए खाई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल जब तक नहीं हो जाता है या पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक वो चुनाव से दूर रहेंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था और कसम भी खाई थी। पर अब कह रहे हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने ऐसा किया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पार्टी के लोग कैसे वोट मांगेंगे, कैसे सहयोग करेंगे, लोग कैसे वोट डालने जाएंगे, ऐसा उमर अब्दुल्ला गलती मानते हुए कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। बता दें, अब्दुल्ला इसी सीट से 2009 से 2014 तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। 27 जुलाई 2020 का वो दिन जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 16 अगस्त को जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया, उमर थोड़े नरम हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है गांदरबल। जिस सीट से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। 1977 में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की पार्टी का गठन हुआ और पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस पार्टी की शुरुआत की। लेकिन विधानसभा चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत चुनौती भरा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दावा कर रही है जम्मू कश्मीर जीतने का। ऐसे में गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो आपसी वो लोग राजी हुए हैं, वो दोनों मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा कर रहे राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आखिर कितना जम्मू कश्मीर को जीत पाते हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जो कसम खाई थी कि जब तक पूर्ण राज्य को दर्जा नहीं मिल जाता, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि जीतते हैं तो क्या यही मांग उठाएंगे उमर अब्दुल्ला, आखिर जम्मू कश्मीर को कौन जीतता है, क्योंकि 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर के साथ, ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और 370 हटने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश लगा रही है, लेकिन कौन जीतता है जम्मू कश्मीर का खेला, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, उमर अब्दुल्ला को लेकर आपको क्या कहना है, क्या उमर अब्दुल्ला जिस बात पर डटे हुए थे, जो वो गलती मान रहे हैं, क्या वो जीतते हैं, और अगर जीतते हैं तो क्या वो ये मांग करेंगे और उनकी मांग पूरी होती है। और इसी तरह से राहुल गांधी ने भी राजी हो गए उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव लड़ने के लिए, तो दोनों मिलकर 32 सीटें जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर कौन जीतेगा, कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।